मच्छर भगाने के लिए हम लिक्विड जलाते हैं, मैट जलाते हैं, पता नहीं कौन कौन सी चीजें हम जला देते हैं, बच्चों के रूम तक में जला देते हैं, और इतनी भैया खतरनाक घातक बीमारियां होती है उससे। सबसे ज्यादा परेशान होता है आदमी उसमें, घातक बीमारी पता है क्या है आपको? कैंसर। जी हाँ, और 10 मिनट भी आपने जला लेना, उसकी खुशबू नाक में जाएगी, आपके शरीर में जाएगी, और भैया परेशान हो जाएंगे। तो मच्छर भगाने के इलाज भी है, हमारे हिंदुस्तान में कोई कमी थोड़ी ना है। बहुत सारे देसी नुस्खे हैं जो हमारे मच्छर भगाने का इलाज है, लेकिन नहीं, हम तो भैया फटाफट से भगाने मच्छर को, कॉइल जला दिया, लिक्विड जला दिया, तो नहीं भाई, ऐसे मत करिए, प्लीज ऐसे मत करिए, पूरे परिवार को नुकसान दे रहे हैं आप। बहुत ही शानदार घरेलू नुस्खा लेके आया हूँ, ऐसा यूट्यूब में आपने आज तक नहीं देखा होगा, ये पक्की बात है। ऐसा नुस्खा लेके आया हूँ जिसमें मैंने बहुत रिसर्च किया उसके बाद लेके आया हूँ, और 5 मिनट में आपके मच्छर मक्खी सब भाग जाएंगे, और आपको है ना उसके अंदर कोई नुकसान भी नहीं होगा। बहुत ही लाजवाब रेमेडी है, आप देख के एक बार देखिए और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिस्टर सिंह किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो को शेयर करना है भाई, चैनल को शेयर मत कर दीजिएगा, वरना पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं नीम की पत्तियाँ। सबसे पहले हमें लेनी नीम की पत्तियाँ, और नीम की पत्तियों के साथ कई बार आपने देखा होगा बीज भी होती है, निमोली भी होती है, अगर वो उसके साथ हो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है नीम का। और नीम आप जानते हैं, नीम की तो खासियत बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मतलब विदेश तक के अंदर, विदेशों में भी लोग नीम का पेड़ उगा रहे हैं, क्योंकि इसकी इतनी तासीर शानदार होती है, कई बीमारियों का इलाज है नीम। तो बस अब क्या करेंगे, इसे हमें सुखाना है। जी हाँ, पहले नीम को सुखाना है। एक दिन के लिए मैंने इसको रखा, और धूप इतनी तेज़ हो रही है तो एक दिन में नीम की पत्तियाँ सूख जाएगी। तो नीम की पत्ती जब सूख जाए तो हमें क्या करना है, इसके अंदर देखिए इस तरह से पूरी पूरी नीम की पत्तियाँ हमारी सूख चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। यहाँ पर मेरे ना प्याज के सूखे हुए छिलके, जी हाँ सूखे हुए छिलके लेने, गीले छिलके बिल्कुल नहीं लेने, क्योंकि इसका फ्लेवर ही बहुत स्ट्रांग होता है, और मच्छर वच्छर मक्खियाँ वक्खियाँ इनसे बहुत दूर रहते हैं। कभी आपने देखा नहीं होगा प्याज के ऊपर कहीं मच्छर बैठेगा, कभी नहीं देखा होगा। तो प्याज के हमें सूखे से छिलके लेने हैं, और ये जितने आप ले सकते हैं अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप चाहें तो एक कटोरी के आसपास ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है इसके अंदर तेज पत्ता। जी हाँ, तेज पत्ता, इसका फ्लेवर ही बहुत स्ट्रांग होता है, तेज पत्ता भी है ना हमारे मच्छर को भगाने में बहुत ही ज़्यादा काम करेगा। और क्योंकि हम क्यों लिक्विड जलाएं, क्यों हम हमारी मैट जलाएं, बच्चों को भी नुकसान दें, इस तरह से वो करें, तो मैंने 7 से 8 इसके अंदर तेज पत्ता ले लिए हैं। और इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर कपूर। जी हाँ, कपूर लेना है, देसी कपूर बहुत कम मिलता है, इस तरह की टिकिया के अंदर कपूर आता है, देसी कपूर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, वरना इस तरह की टिकिया में हम कपूर ले सकते हैं, जो हम दिवाली के अंदर भी जलाते हैं। और घर में अगर कपूर जलाते हैं ना तो कहते हैं एनर्जी बहुत अच्छी आती है और नेगेटिव एनर्जी भग जाती है। और इस तरह से छोटी टिकिया भी आती है, कोई सी भी टिकिया हो आप ले सकते हैं, अगर बड़ी टिकिया मिल जाए तो मैं 2 ले रहा हूँ, छोटी टिकिया मिल जाए तो आप कम से कम 4 से 5 टिकिया ले सकते हैं। तो इस तरह की टिकिया हमें कपूर की लेनी है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ ले रहा हूँ मैं लौंग। जी हाँ, 10 से 15 मैंने लौंग लिए, इसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जब हमारे देसी इलाज के अंदर से ही मच्छर भाग सकते हैं तो हम लिक्विड और हमारे मैट क्यों जलाएं, हमारे परिवार को नुकसान क्यों दें, हमारे घर को नुकसान क्यों दें, बच्चों को नुकसान क्यों दें, क्योंकि उससे कई तरह की बीमारियाँ होती है, मैंने आपको बताया पहले भी। तो बस ये मैंने 10 से 15 इसके अंदर यहाँ पर लौंग ले लिए हैं, तो वो भी ले लिए। और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मिक्सी के अंदर नीम की सूखी पत्तियाँ डाल रहा हूँ, और इसके बाद इसके अंदर डाल रहा हूं हमारे प्याज के छिलके। जी हाँ, प्याज के छिलके गीले नहीं होने चाहिए, सूखे होने चाहिए। और इसके बाद तेज पत्ता इसके अंदर मैंने डाल दिया, और इसके बाद मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ लौंग। जी हाँ, इसका हमें पाउडर बनाना है बिल्कुल सा। और टिकिया मैंने तोड़ ली थी, तोड़ने के बाद ही हमारी कपूर की टिकिया इसके अंदर डाल रहा हूँ कि अच्छी तरह से स्मूथ सा पाउडर इसका बन जाए। तो ये देखिए स्मूथ सा पाउडर बना रहा है, जितना स्मूथ आप कर सकते हैं ना उतना स्मूथ पाउडर बनाना है, और बहुत ही आसान है और घरेलू नुस्खा है, आराम से मच्छर आपके भग जाएंगे। तो ये पाउडर मैंने बना लिया, अब इसे स्टोर कैसे करना है, किसी भी आप छोटी सी टिक बॉल के अंदर या कंटेनर के अंदर इसे आप रख सकते हैं, कोई सा भी कंटेनर हो उसके अंदर आप इसके अंदर रख सकते हैं, रखने के बाद साल भर तक इसे रख सकते हैं। यूज़ कैसे करना है वो बताता हूँ। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ मिट्टी का दीपक। जी हाँ, दीपक की साइज़ के ऊपर कोई डिपेंड नहीं है, दीपक छोटा हो, दीपक बड़ा हो, कोई सा भी आप दीपक ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए, दीपक नहीं हो तो कटोरी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर मैं ले रहा हूं सरसों का तेल। सरसों का तेल का आपको मालूम फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन इसकी स्मेल नहीं आएगी कभी भी सरसों के तेल की, क्योंकि हमें मच्छर भगाने इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। ये नहीं हो तो आप नीम का तेल भी ले सकते हैं, वरना नॉर्मल तेल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। 1/2 टीस्पून इसके अंदर हमारा ये पाउडर डाल रहा हूं, जो हमने पीस के रखा था ना, 1/2 टीस्पून ध्यान रखिएगा। और 2 टेबल स्पून डाल रहा हूं इसके अंदर सरसों का तेल। जी हाँ, सरसों का तेल हो, नीम का तेल हो, नॉर्मल तेल हो, जो आपको पसंद हो ले सकते हैं। इसे एक बार मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक इसे रख देंगे, इसका अरोमा पूरा का पूरा ऑयल के अंदर आ जाए।
और यहाँ पर हम ले रहे हैं ये बत्ती, दिया बत्ती जैसे बोलते हैं, बाती बोलते हैं, आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ी मोटी लेनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पतली बत्ती नहीं लेनी है इसके अंदर, थोड़ी मोटी लेनी है कि इसका जो फ्लेवर है ना जब ये जले तो ये काफ़ी अच्छी तरह से इसका धुआं भी आए और वो अच्छा सा रहे। तो बस ये हमारी बाती बत्ती जिसे हम बोल रहे हैं, आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे हमें जलाना है, जी हाँ इसे हम जला देंगे। अब शाम का टाइम हो, सुबह का टाइम हो, जब भी आपके यहाँ पर मच्छर हो ना, क्योंकि गर्मी में मच्छर तो बहुत ज़्यादा अब हो ही जाते हैं, तो इसे हमें जला के कमरे के अंदर रख देना है और कमरे में रख के उसको बंद कर देना है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जब इसको जलाएंगे ना हम, तो इस तरह से इसके अंदर एक धुआं सा उठेगा। देखिए काला सा धुआं सा उठ रहा है ना, ये काला धुआं जो उठेगा ना ये हमारी सेहत को नुकसान नहीं करेगा, ये बल्कि हमारे मच्छर मक्खी इनको भगाने में, और मच्छर को तो भगाने में तो रामबाण इलाज ही है, तो इसे भगाने में ये देखिए काला धुआं दिख रहा है ना आपको, तो ये बस इसे भगाएगा। अब इसे आपको शाम को जलाना है, दिन में जलाना है, कोई भी नुकसान नहीं होगा, बच्चों के रूम में भी आप जला सकते हैं आराम से, और रूम को कर दीजिए बंद, और बंद करने के बाद इसे जब तक ये जल रहा है तब तक जलने दीजिए, उसके बाद आप देखिए एक भी मच्छर आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा ना मक्खी मिलेगी। तो कैसा लगा दोस्तों मेरा वीडियो, अच्छा लगा मेरा वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। नई रेसिपी, नई रेमेडीज़ और नई वीडियो के साथ वापस हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।